1000 ml के लिए हम जो हम लोग एक्चुअली कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है, और ये कोनिकल फ्लास्क का जो कैपेसिटी होगा वो 1000 ml का होगा, पर ईच कोनिकल फ्लास्क में हम 800 ml पीढ़ी डालेंगे, पोर करेंगे, ठीक है। और 1000 ml पीढ़ी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि क्या रेसिपी होगी, दैट विल बी लाइक पोटैटो 200 ग्राम्स, आप लोगों ने पील ऑफ किया जी, ठीक है ना, उसका स्टार्च निकाला, एंड ग्लूकोज 30 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, पेप्टॉन 5 ग्राम, KH2PO4 1 ग्राम, MgSO4.7H2O, इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, वाइटामिन B1 50 mg, ठीक है, ये आपने पीडी में डालना है। पैकिंग होगी अब, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन लगेगा, बटर पेपर लगेगा, रबर बैंड लगेंगे, और फिर प्रॉपर पैकिंग के बाद इसका ऑटोक्लेविंग होगा 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद ही ऑटोक्लेव से निकाल के इसको 24 घंटे के लिए यानी कि 24 आवर्स के लिए कूलिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कॉर्डिसेप्स जो मिलिट्रीज है उसका जो लिक्विड स्पॉन है वो तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपको ये आलू चाहिए होगा, ठीक है, जो आलू होना चाहिए वो आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए। इसको हम इस पीलर की मदद से पील ऑफ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, देन हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में इस तरीके से इसको चॉप कर देंगे जी, इसका जो एरिया हो वो सेम रहे। फेसबुक पे डालना है, रीजन क्या है इसका, कॉम्पिटिटर पड़ेंगे इसे तो दीदी, अभी मत फेस में, वो पील ऑफ करने के बाद इसका वेट लोगे, देन उसको यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको 200 ग्राम लेना है, मतलब पील ऑफ करके उसका छोटे छोटे पीस करने के बाद 200 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, अप्रोक्स आपको पानी लेना है इसमें, मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लोगे कि आपके जो आलू है वो अच्छे से भीग जाए इसके अंदर, ठीक है। इसकी साइड से इसको ऐसे काटोगे, ठीक है, ये जब ये इजीली कट जाएगा तो इसका मतलब आपका आलू पक चुका है। जैसे आप आलू के पराठे के लिए आलू देखते हो, सेम आप इसके लिए भी देख सकते हो, ठीक है। जितना भी आप इसका स्टार्च है सारा का सारा पानी में रीच आउट हो चुका है, ठीक है, निकल। जितना कम है इसके अंदर या स्टार्च निकला इसमें से, अब हम इसको 1000 ml मेकअप करूंगा, 2 लीटर कर दें, ये 1 लीटर हो गया हमको, इसको इस बकेट में डाल देंगे। जो हमने इससे पहले प्रोसेस किया था पीडी बनाने का पोटैटो डेक्सट्रोज का, जो लिक्विड स्पॉन होता है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस का, उसी का कंटिन्यूशन है। प्रोसेस ये है कि ये सारे न्यूट्रिशन, ठीक है, जो केमिकल न्यूट्रिशन है हम उसके अंदर ऐड करेंगे, इसको केमिकल नहीं बोलोगे, न्यूट्रिशन से सारे के सारे आपके, ठीक है, क्योंकि एक ग्रो करने के लिए उसको चाहिए होता है आपका। अगर कॉर्डिसेप्स को अगर आपको ग्रो कराना है तो आपको उतना ही न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा जो आपका पिपा की बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट है KH2PO4, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, ये आपका पेप्टोन है, ये आपका B1 का टैबलेट है, ठीक है, आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ये आपके स्पैचुला है, ये आपके बॉक्सेस है, ठीक है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ये आपका फनल है, और ये जो हमने 2 लीटर पीटी के लिए हमने जो स्टार्च का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ था आलू का वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वन बाय वन मेजर करेंगे और इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। KH2PO4 आपका 2 ग्राम लगेगा, ठीक है, सल्फेट आपका 1 ग्राम डालेगा,
मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ जी। ग्लूकोज आपका 60 ग्राम डलेगा। ग्लूकोज है ना ये? हाँ जी। 60 ग्राम। 60 ग्राम ग्लूकोज आपका। 6 ग्राम यीस्ट ना? हाँ जी। 6 ग्राम। 60 ग्राम। 60 ग्राम जो यीस्ट है वो आपका 6 ग्राम डलेगा। सिक्स ग्राम यीस्ट ना? हाँ जी। ये पेपकॉर्न है ये आपका 10 ग्राम डलेगा। ये B1 का टैबलेट है आपका, ये 100 mg का है, ठीक है। तो 2 लीटर के लिए हमको 100 mg चाहिए, तो एक टैबलेट इसका 100 mg का, मतलब हमको एक टैबलेट इसका रिक्वायर्ड होगा। तैयार कर लोगे जो आपके कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर आ जाए, ठीक है। ठीक है, इसको अभी हम 800 ml फिल करेंगे। 800 ml के लिए हमको यहाँ पे समय आपको एक बहुत देखो, चलो ये रहा, इससे हो जाएगा। जो आपको 800 ml लेना है, ठीक है, वो आपको इसके मेजरमेंट के हिसाब से लेना है, जहां पे इसका मेजरमेंट होगा। इस तरीके से एक ही फ्लो में आपको लेना है, छींटे इधर उधर दीवार पे नहीं टच होने चाहिए। इस तरीके से आपको 800 ml है, ठीक है। इसको बहुत आराम से आप उठाओगे, कॉर्नर्स पे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, सेम रीजन जिसमें बताया था आपको। आपका ये कॉटन प्लग है, इस तरीके से आप इस कॉटन प्लग को इसके ऊपर लगाओगे कि जितनी एयर जाए वो इसमें फिल्टर होके जाए। ये आपका बटर पेपर है, मेरे को रखा कर लीजिए, ये आपका बटर पेपर है। इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से टाइटली इसको कवर कर दोगे, ठीक है, और हम इसके ऊपर फिर रबर बैंड लगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका वेसल है वो ऑटोक्लेव के लिए तैयार है। ये सारा का सारा जितना हमने ऊपर पीडीएफ प्रिपरेशन किया है, अब हम उसका ऑटोक्लेव ही करेंगे। ये आपका ऑटोक्लेव है, इसको इस तरीके से आप उसको खोलेंगे। जितना भी आपने माल तैयार किया है ऊपर, जितना भी आपने पीडीएफ का प्रिपरेशन किया हुआ है, सारा का सारा हम इसके अंदर इसको इस तरीके से आप रख देंगे। हम इसको 121 में 15 PSI पे आधे घंटे के लिए स्टरलाइज करेंगे।